Welcome everyone, this is Anirai from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss, do we need supporter during gym? Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्टर की जरूरत है कि आप जब वर्कआउट करते हैं, इस बारे में डिटेलिंग में जानेंगे. बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हुई है कि सर सपोर्टर पे वीडियो बनाइए, क्या हमें पहनना चाहिए या बिना सपोर्टर के भी काम हो जाएगा. तो आज इस एपिसोड में मैं आपको डिटेलिंग में सब कुछ बताऊंगा. मैंने अपने लाइफ का सबसे पहले सपोर्टर पहना था जब मैं अखाड़ा जाता था. यस गाइस, जब मेरा स्टार्टिंग एज था जिम के जाने का, उसके पहले मैंने अखाड़ा ज्वाइन किया हुआ था मेरे डैड के साथ. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे डैड लेके जाते थे अखाड़ा में, नियर अबाउट लाइक जब मैं 16-17 ईयर्स का था. उसके बाद में मुझे जिम का क्रेज लगा था. तो जब मैं अखाड़ा गया हुआ था, तो वहाँ पर देखा था पहलवान लोग पहले दिन से सिखाते हैं कि आपको लंगोट बांधनी पड़ती है. आजकल के टाइम पे उसी का जो नया वर्जन है, दैट इज कॉल्ड सपोर्टर. तो पहले सपोर्टर क्यों पहनते हैं लोग, वो भी मैं बता दूँ, लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. लोग सपोर्टर इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारे टेस्टिकल्स रहते हैं वो हैंग करते हुए रहते हैं. तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम सपोर्टर नहीं पहनते तो उससे ज़्यादा क्या होता है, उसमें मतलब टेस्टिकल स्वेल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या फिर उसमें पानी भर जाता है जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं. तो पहलवान लोग जो रहते हैं, जो अखाड़ा में कुश्ती करते हैं, उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उन लोग रोज़ लगाते हैं स्क्वाट्स, काफ़ी सारा हार्डवर्क करते हैं, बहुत सारा लाइक वेट ट्रेनिंग भी करते हैं साथ में, और साथ में करते हैं फाइट. तो उस वजह से क्या होता है, उनके जो टेस्टिकल्स रहते हैं वो सेफ रहे, इसलिए उसको टाइट बांध करके रखते हैं. इस वजह से क्या होता है, लंगोट सालों साल चले आ रहा है. आप किसी भी अखाड़ा में अभी भी चले जाएंगे तो लंगोट पहनते ही है. लेकिन जिम पीपल के लिए ये ज़रूरी है क्या, ये बता देता हूँ मैं. तो स्पेशली सपोर्टर का लाइक इजाद कब हुआ, स्पेशली उस गेम्स के लिए जैसे बास्केटबॉल हो गया, जो साइकिलिंग करता लॉन्ग रन में साइकिलिंग करते या क्रिकेट खेलते हैं, इसके लिए बिकॉज एब्डोमेन गार्ड लगाने की जगह रहती है सपोर्टर में, इस वजह से सपोर्टर का इजाद हुआ. लेकिन जिम में वो इसलिए फेमस हुआ कि बहुत सारे लोग जो अखाड़ा से जिम में शिफ्ट हुए, उनको लगता है कि जैसे हम अखाड़ा में लंगोट बांटते थे उसी हिसाब से हमें सपोर्टर पहनना चाहिए सेम तरीके से. बट गाइज, सपोर्टर बना इसलिए है कि जिनको लाइक जिनका एब्डोमेन का मसल वीक है, उनको हर्निया की तकलीफ ना हो जाए, इस वजह से सपोर्टर बना हुआ था. तो जैसे क्या होता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप सपोर्टर पहनो, आपका स्टमक वीक है, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम लोगों में होता है, लाइक 2-3%, लाइक 100 लोगों में 2-3 लोगों को स्टमक वीक रहता है, लेकिन सबका ये प्रॉब्लम नहीं है. और जो बिगनर है स्पेशली, वो जो स्कॉट्स लगाते हैं उनको पता नहीं होता कि उनका स्टमक वीक है कि नहीं, उनको ज़रूर लगाना चाहिए. और सपोर्टर लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप चेस्ट कर रहे हैं तो आपका कहीं से कहीं तक कनेक्शन नहीं है कि चेस्ट या आर्म्स ऐसे टाइप के वर्कआउट कर रहे हैं कि आपके लोअर पोर्शन में उसका कोई भी वेट का इफेक्ट पड़ेगा. तो बाकी डेज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी डर है तो सपोर्टर पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने देखा हुआ है कि लोग हर दिन सपोर्टर पहनते, तो हर दिन की पहनने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, लंबे टाइम तक जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या स्कॉट्स लगा रहे हैं, बिकॉज सारा प्रेशर आपके लोअर बॉडी में आता है, तब के टाइम पे आप सपोर्टर पहन सकते हैं. लेकिन मैं टेस्टिकल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी नहीं पता या मुझे भी नहीं पता कि मेरा एब्डोमेन वीक है या आपका लोअर एब्डोमेन वीक है, तो किसी को भी हर्निया की तकलीफ आ सकती है. इससे क्या होगा, इससे आपका हर्निया ठीक नहीं हो जाएगा या आप हर्निया से बच नहीं सकते आपको हर्निया हुआ है तो, लेकिन प्रिवेंशन हो जाएगा. जैसे हम हेलमेट पहनते हैं, हमको पता नहीं रहता कि हमारा एक्सीडेंट होगा कि नहीं, बट हम प्रिकॉशन लेने के लिए हेलमेट पहनते हैं. सेम वे में अगर आप सपोर्टर पहनेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है. या मैंने फॉरेनर बॉडी बिल्डर्स को देखा हुआ है, वो सपोर्टर नहीं पहनते, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका मन करता है, आपको लगता है कि आपका स्टमक वीक है या फिर नहीं भी है, प्रिकॉशन के लिए आप पहनना चाहे तो आप पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जिनको स्पेशली अगर हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या फिर हर्निया की तकलीफ है, गाइस प्लीज़ पहनिए सपोर्टर. जब आप स्पेशली जब आप हेवी वर्कआउट कर रहे हैं या फिर जब आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके लोअर बॉडी में बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, तब आप ज़रूर पहने. और अगर नहीं भी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं भी पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि अगर आपको प्रिकॉशन पहले से ही चाहिए तो आप पहन सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप अपर बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें सपोर्टर का कोई कनेक्शन ही नहीं है और आपके टेस्टिकल कंप्लीटली सेफ है,
इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, और प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए जो साइड में दिख रहा है, और साथ में वो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं रोज नए नए वीडियोस बनाता हूँ और नए नए टॉपिक्स पे बनाता हूँ, नॉट ओनली फिटनेस, लाइफस्टाइल, फूड, हर चीज के बारे में बनाता हूँ, तो आप कोई वीडियो मिस मत करिए। वो बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन डेली टू डेली मिलते जाएगा। Hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping. Stay blessed.